चक्रवाती तूफान गाजा के आज शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। तूफान के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और चक्रवाती तूफान गाजा तमिलनाडु के तट से करीब 470 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिसके बाद भारी बारिश के आसार हैं और इस तूफान के पहले दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पहुंचने की आशंका थी, जो अचानक तमिलनाडु के इलाकों की ओर सोमवार को मुड़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गाजा गुरुवार शाम या रात को पंबान और कुट्टूलूर के बीच तटीय क्षेत्र को पार कर सकता है और इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 9 और पुडुचेरी में 2 टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और तमिलनाडु सरकार पहले ही 30,500 बचाव कर्मी तैनात करने की घोषणा कर चुकी है। वहीं तंजौर, तिरुवरूर, कुड्डुलूर और रामनाथपुरम के कलेक्टरों ने गुरुवार को स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है। इस तूफान के मद्देनजर भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर किया गया है और पूर्वी नौसेना कमान ने आवश्यक मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय तैयारी की है। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज रणवीर और खंजर तत्काल राहत के लिए उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए खड़े हैं जहां सबसे अधिक खतरा है। इन जहाजों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर, हवा वाली रबड़ की नाव, हेलीकॉप्टर और राहत सामग्री तैयार है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में आज सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।